हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। सो गाइस आज हम लोग कर रहे हैं टेस्ट ड्राइव 2022 एस्प्रेसो की, और अभी मेरे पास है VXI प्लस वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर। ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ इसका जो वॉक अराउंड रिव्यू है वो शेयर कर चुका हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग टेस्ट ड्राइव करेंगे और बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती है 2022 एस्प्रेसो में। सबसे पहली चीज मैं आप लोग बता दूं कि इसके अंदर आपको मिलता है 1.0 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर डुअल जेट इंजन, जो कि अब डुअल जेट हो चुका है। और इसके अंदर आपको डुअल वीवीटी के साथ जो इंजन मिलता है, इसके अंदर अब आपको आइडल स्टार्ट ऑफ फीचर भी मिल जाता है, जिससे 14% की जो माइलेज है वो आपको ज्यादा मिल रही है मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर, और 17% की जो माइलेज है वो आपको ज्यादा मिलेगी ऑटोमेटिक वेरिएंट के साथ। अब साथ ही अगर आप नोटिस करेंगे तो VXI प्लस वेरिएंट के अंदर पहले जो इसके मिरर्स हैं वो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ मिलते थे, जो कि नॉब से आपको एडजस्ट करने होते थे, बट अब आपको ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट के साथ मिल चुके हैं, जिससे कि जो कन्वीनियंस है वो आपको काफी ज्यादा अच्छी यहाँ पर मिल जाती है। और एस्प्रेसो की सबसे बेस्ट बात यह है कि आपको यहाँ पर जो SUV वाली फील है वो आपको मिल जाती है, इन कंपैरिजन अगर आप बात करेंगे दूसरी मारुति की कार से, क्योंकि इसके अंदर आपको काफी ज्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा मिल जाती है। सो जो हाइट है वो आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। सबसे बड़ा मेन हाईलाइट अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिजिटल जो इसका क्लस्टर है वो मिल जाता है, जिससे कि काफी ज्यादा ईज हो जाता है देखने में, और कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा फीचर है, और जो कि यहाँ पर आपको इसके सेंटर कंसोल में ही प्लेस कर दिया गया है। इस वेरिएंट के अंदर आपको रेंज, जो इसकी माइलेज है, वो सब आपको यहाँ पर क्लस्टर मीटर पर ही देखने के लिए मिल जाती है। साथ ही अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको इस वेरिएंट के अंदर काफी सारे जो सेफ्टी फीचर्स है वो भी एड ऑन करा दिए गए हैं, जैसे 2 एयरबैग्स आपको मिल जाते हैं, साथ ही सीट बेल्ट रिमाइंडर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और ESP और विद हिल होल्ड जो कंट्रोल है वो आपको जो ऑटोमेटिक अगर आप वेरिएंट परचेज करते हैं तो वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। मैनुअल के अंदर आपको वो नहीं मिलेगा, और ये सारे जो चेंजेस है वो 2022 एस्प्रेसो के अंदर कर दिए गए हैं। बात करूं इस वेरिएंट की प्राइसिंग की, तो अभी मैं VXI प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन ड्राइव कर रहा हूं, और यहां पर इसकी जो प्राइसिंग है वो है 5,49,000 एक्स शोरूम प्राइसिंग, जो कि पहले से 71,000 रुपीज का जो हाइक है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड जो हाइक है वो सिर्फ इसीलिए किया गया क्योंकि इंजन के अंदर चेंज किया गया, काफी सारे सेफ्टी फीचर्स एड ऑन किए गए हैं, और साथ ही आपको इसके अंदर काफी सारे जो चेंजेस हैं वो भी एविडेंट मिल जाते हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको 17.78 सेंटीमीटर का स्मार्ट प्ले स्टूडियो मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है, ब्लूटूथ आपको मिल जाता है, साथ ही ऑक्स एंड USB आप कनेक्ट कर सकते हैं। 2 स्पीकर्स आपको इस वेरिएंट के अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं। साथ ही अगर टच रिस्पॉन्स की आप बात करेंगे तो काफी ज्यादा ईज यहाँ पर हो जाती है। इस वेरिएंट के अंदर आपको जो फ्रंट में 2 पावर विंडोज मिलती हैं दोनों ही विंडोज के अंदर, और यहाँ पर जो उसके कंट्रोल्स हैं वो आपको फ्रंट में दिए गए हैं, जो कि काफी ज्यादा एक्सेसिबल है। अगर आप जो यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, अगर को ड्राइवर बैठा हुआ तो यहाँ से आप काफी ज्यादा ईज हो जाती है उसको एक्सेस करने के लिए। साथ ही हजार्ड लैंप का जो स्विच है वो भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इस वेरिएंट के अंदर आपको जो मैनुअल AC है वो यहाँ पर गिवन मिल जाता है, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, ये आपको रोटरी नॉब में मिलता है और यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं मोड्स वगैरह। बात करें स्टोरेज स्पेसेस की, तो स्टोरेज स्पेसेस में भी कोई कमी नहीं रखी गई है, जैसे कि यहाँ पर आपको स्टोरेज स्पेस अवेलेबल मिल जाता है, यहाँ पर आपको लोअर में मिल रहा है, साथ ही जो फ्रंट दोनों ही डोर्स हैं वहां पर भी आपको जो स्टोरेज स्पेस है वो अवेलेबल मिल रहा है। सो उसकी कोई भी कमी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। AC वेंट्स की जो प्लेसमेंट है वो आपको यूनिक यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर मिल जाएगी, एक आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इस वेरिएंट के अंदर आपको कोई भी जो वैनिटी मिरर्स हैं वो अवेलेबल नहीं मिलेंगे, बट जो सनशेड्स हैं वो आपको इस प्राइस पॉइंट के ऊपर ऑफर किए जा रहे हैं।
बात करें सीटिंग कंफर्ट की, तो सीट्स पर आपको कंफर्ट मिल जाता है अच्छा खासा। काफी ज्यादा ब्रॉड सीट्स आपको नहीं मिलती हैं, बट ऐसा कुछ जो बॉडी रोल वगैरह है वो आपको यहाँ पर महसूस नहीं होगा। और यहाँ पर आपको जो फैब्रिक सीट्स है वो ऑफर की गई है, साथ ही जो इसके हेडरेस्ट है वो आपको फिक्स अप हेडरेस्ट मिलते हैं। सो यहाँ पर आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जो हेडरेस्ट है उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील की, तो आपको इसके अंदर ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं और साथ ही जो कॉलिंग कंट्रोल्स हैं वो भी यहाँ पर गिवन कराए गए हैं। तो काफी ज्यादा ईज ऑफ कन्वीनियंस आपको यहाँ पर मिल जाती है। स्टेयरिंग व्हील के अंदर कोई भी आपको टिल्ट और टेलीस्कोपिक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गिवन नहीं कराया गया है। और बात करें इसके स्टेयरिंग व्हील की, तो काफी ज्यादा आपको जो सॉफ्ट स्टेयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड गड्ढों वगैरह के अंदर आपको एस सच कोई भी ज्यादा जो जर्क वगैरह है वो नहीं मिलता। और बात करें इसके पिकअप वगैरह की, तो इसके अंदर आपको 6 से 6 ब्रेक हॉर्स पावर की पावर मिलती है इस इंजन से, और 89 Nm का जो टॉर्क है वो मिलता है, जो कि पहले से आपको 1 BHP कम मिल रही है, जो अभी करंट जनरेशन एस्प्रेसो चल रही थी, और 1 Nm का जो टॉर्क है वो रिड्यूस हो गया डुअल जेट आने के बाद। सो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, बाकी कोई भी आपको ऐसा अंडर पावर्ड जो इंजन है वो आपको नहीं लगेगा। सो गाइस, ये था मेरी तरफ से एक ड्राइव रिव्यू ऑफ 2022 एस्प्रेसो। मैंने आप लोगों को VXI प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन में जो वेरिएंट है वो ड्राइव करके रखा है। सो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, जो मेन चेंजेस आए थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। सो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, साथ ही वीडियो को लाइक करें। एंड अगर आपको मारुति एरेना की कोई भी कार बुकिंग करानी है, तो आपको वीडियो के अंदर जो नंबर्स फ्लैश हुए हैं वो आप उनके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी बुकिंग्स और टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड लव।